him after 4 years. मैंने इधर आके पूरा फुल एंजॉय किया। मर पिक्चर भाई एकदम मस्त, एकदम बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया, एकदम ब्लॉकबस्टर। मैं पूरा पागल हो चुका हूँ, अभी मेंटल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं पूरा पागल हो चुका हूँ। इंटरवल के बाद जो सीन था, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट अ सीन। जो वीडियो है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि यार आप लोग सब समझ सकते हैं कि मतलब जो SRK साहब ने जो फिल्म बनाई है भाई, पठान मैं कहता हूँ पर्दे फाड़ दिए उसने, रिकॉर्ड तोड़ दिए है। मतलब बड़ी बड़ी फिल्म्स को, क्या हॉलीवुड्स है क्या बॉलीवुड्स है भाई, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब साउथ इंडियन जैसी एक सुपर स्टार सुपर हिट मूवीज जो थी, KGF थी, ठीक है, RRR थी, साथ साथ बात करें बाहुबली, इस तरह की भाई मैं कहता हूँ वीडियो के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो भाई देखते हैं कि यहाँ पर पब्लिक रिव्यूज किस तरह के हैं, पब्लिक के रिएक्शन किस तरह के हैं। हाउसफुल जा रहा है, मतलब कल भी हाउसफुल है, आज भी हाउसफुल है, कल भी हाउसफुल होगा भाई। सिनेमा में टिकटें मिल रही है लेकिन बैठने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो भाई इतना रश जा रहा है। और ये आई थिंक कोई ये कौन सिनेमा कौन सा है, गेटी गैलेक्सी शायद, या गेटी गैलेक्सी इस तरह कुछ लिखा हुआ है ना। तो व्यूअर्स पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड स्पेशली वी आल्सो। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पब्लिक की भाई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाई जाए। शौक था पठान देखने का, मैंने इधर आके पूरा फुल एंजॉय किया। मर पिक्चर भाई एकदम मस्त, एकदम बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया, एकदम ब्लॉकबस्टर। मैं पूरा पागल हो चुका हूँ, अभी मेंटल हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं पूरा पागल हो चुका हूँ। इंटरवल के बाद जो सीन था, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट अ सीन। मतलब SRK से कितना लव है लोगों को यार। जी सर, कैसी लगी फिल्म? अच्छी अच्छी थी, अच्छी बहुत अच्छी। आपको सुनाई दिया सब कुछ डायलॉग वगैरह? हाँ हाँ, सब पूरा खचाखच हाउसफुल था। हाँ बाबा, कैसा लगा पिक्चर सर? बहुत बढ़िया थी। कैसी लगी फिल्म आप लोग को? जी मैम, पसंद आया आपको? ओके, हाउ डिड यू लाइक द मूवी? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मूवी थी। क्या खासा फिल्म है बताओ? फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए आए, मैटनी शो पूरा हाउसफुल था, क्या एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शाहरुख खान सुपर्ब, शाहरुख खान को देखा आफ्टर लॉन्ग टाइम। पैसा वसूल कैसे लगी फिल्म? अबे नहीं, मुंह लगा रही बहुत दिन दे रही, पीछे हो जा भाई, तू पीछे जा रहा है। अच्छा हाँ सर, कैसी लगी? अच्छी है भाई, मजा आया। जी सर, कैसी लगी? कैसी लगी फिल्म? पिक्चर अच्छी थी, क्राउड गंदा है सर, पूरा हाउसफुल था, क्या कर सकते हैं, फिर भी गंदा क्राउड है। नहीं यार, एक बात बोलूं क्या? एक्सेलेंट। आपको ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सपोर्ट करने आया ना, शाहरुख खान को सपोर्ट करने आया बस, सही। लेकिन जो एक घंटे की पिक्चर सिटी इसमें गया ना, वो गंदा है एकदम। ओके कोई बात नहीं, आप बताइए। कल घर में नेटफ्लिक्स लगा के देख लो, अपन नहीं है वो, एक धूम पार्ट 1 2 2 ना, उसका सेम स्कोर। ओके ओके, चलो अपने रिजेक्ट कर दिया भाई पठान को। आपको फिल्म कैसी लगी? एक नंबर, एक नंबर। जी आंटी, फिल्म कैसी लगी? अच्छी है, मजा आया। हाँ सर, एक नंबर मूवी, एक नंबर मूवी। हाँ बहुत अच्छी मूवी। कैसे लगी फिल्म मैम, कैसे लगी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुपर हिट, सबको देखना चाहिए। पैसा वसूल हो गया।
कैसी लगी? कैसी लगी? बहुत बहुत ही अच्छा भाई, बहुत ही अच्छा, बढ़िया पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर। उनकी सुपारी दिखा दी भाई। कॉड वाले हमारे से मिलके आओ, फटफट मिल लो हमसे, क्या है। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मूवी। कौन अच्छा लगा? दीपिका, जॉन, शाहरुख, कौन अच्छा लगा? शाहरुख खान, शाहरुख खान। मजा दीपिका सबको तो यार, यू कैन सी द क्राउड गाइस, फिल्म देखने के बाद लोगों का जोश कुछ अलग ही है। जिंदाबाद शाहरुख खान, जिंदाबाद। मौसम पट चुका है पूरा, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत भाई, पूरा पैसा वसूल हो गया। शाहरुख, शाहरुख, गाइस यहां पे आप देख सकते हैं लोगों का पैसा वसूल हो गया है, पूरा पैसा वसूल यहां पर हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया पिक्चर थी भाई, भाई शाहरुख खान का रोल सबसे बेस्ट था, जॉन इब्राहिम का भी अच्छा था भाई, बहुत बेस्ट था। दीपिका आ गई, नसीब तो कह रही हूं। मैम कैसी लगी आपको? पूरी दीपिका, ओ मैम दीपिका, आफ्टर 4 इयर्स मैम की लुक बिल्कुल दीपिका वाली है ना। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग दिस? अमेजिंग, अमेजिंग, पूरा पैसा वसूल, वाचिंग आफ्टर 4 इयर्स, इट्स रियली जॉयफुल टू वॉच हिम आफ्टर 4 इयर्स। कुछ सुनाई दिया तो समझ में आया, खान इज बैक। Yeah, as he said, Pathan is back. Pathan is back. Yeah, yeah. Yeah, it's issue. Yes, yes, yes. Ma'am, कैसे लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी है। जी सर, बहुत मस्ती, ब्लॉकबस्टर, सुपर हिट थी। आई लव पठान, पठान। जी 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 जी। कैसी लगी भाई? अच्छी है भाई। हां भाई। Awesome movie. अच्छी है भाई। हां, कैसी लगी? अच्छी है भाई। मुझे बड़ा बजिंग लगा बंदा। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। एकदम मस्त। कैसी लगी? Filmy fever, what a movie, what a movie, this is called a comeback after 4-5 years, Shahrukh Khan, मैं पूरा पागल हो चुका हूँ, अभी मेंटल हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं पूरा पागल हो चुका हूँ। इंटरवल के बाद जो सीन था, I can't explain what a scene, they can talk about it, यार आप देख सकते हैं गाइस, चल भाई दिल का टैगर हो गया, आगे चला जा। फाइनली बॉलीवुड का सूखा खत्म हुआ, जो बॉयकॉट गैंग थी वो देख सकते हैं कैसा ये नहीं, ये बात सच है भाई, बॉलीवुड को जो बॉयकॉट था वो खत्म कर दिया भाई शाहरुख खान ने, ऑफ शाहरुख खान। इसमें कोई शक नहीं है कि आप देखोगे क्राउड को खत्म, मतलब बिल्कुल क्राउड इज गोइंग टू क्रेजी यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देखो लास्ट 5 इयर्स अगर आप देख सकते हो तो बॉलीवुड का नाम ही खत्म हो गया था यार। जी कैसे लगी? एकदम मस्त। हॉलीवुड को भूल जाओ सब लोग, बॉलीवुड आ गया वापस। हां सर, ठीक हो गया भाई, ठीक है, हम भी भूल जाएंगे। जी सर, कैसी लगी आपको फिल्म? सर मैडम फिल्म कैसी लगी? सर मैडम फिल्म की, मैडम की, हां भाई आंटी फिल्म कैसी लगी? पठान कैसे लगे? कड़क सर फिल्म अच्छी लगी? बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, एक्शन भी ज़बरदस्त था, और अपने सलमान भाई आने के बाद तो ज़बरदस्त माहौल बन गया पूरे थिएटर में, आग लग गई। पिक्चर हिट है बॉस, पिक्चर हिट है। सलमान भी है ना एंड में। पैसा तो वसूल था ही, आएगा वो एक्सपीरियंस तो गेटी में लेने जैसा ही है, मतलब आप दूसरे किसी सिंगल थिएटर में जाओगे मैं वैसा बोलूंगा। और अगर कुछ भी नहीं पसंद आ रहा आपको शाहरुख के बारे में, सलमान भाई का एंट्री जो था 15 मिनट्स, वो जो वसूल किया है, सलमान भाई आते हैं बीच में उसमें पूरा पिक्चर वसूल हो जाता है। और आगे यशराज की फिल्म में बहुत ही मजा आने वाला है, वेटिंग फॉर इट। कैसी लगी? हाँ भाई कैसी लगी? एक नंबर पिक्चर भाई, एकदम मस्त, एकदम बहुत अच्छा, बहुत शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत अच्छा, बहुत हार्ड एकदम, बहुत बैकग्राउंड गांग की मुंह पे तमाशा मार दे, बैकग्राउंड गांग के एकदम पूरा मुंह पे पैसा वसूल हुआ, पूरा पैसा वसूल।
पूरे एकदम पूरा बहुत मजा आया हम लोग को। आवाज बैठ गई सीटी मारते मारते, इतना सीटी मारा आवाज ही बैठ गई हम लोग का। इतना सीटी मारा आवाज बैठ गया भाई। मैं समझ रहा ये वाली सीटी मारी है यार। एक नंबर पैसा वसूल हो गया भाई। मेरा बहुत शौक था पठान देखने का, मैंने इधर आके पूरा फुल एंजॉय किया। अभी क्या अंदर के सीन, अभी मैं वीडियो किया हूँ आपको बताता हूँ। बाहर तो कुछ भी नहीं है, एक नंबर, एक नंबर जबरदस्त। जी सर, टोटली मैडनेस। कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगा, पूरा दिमाग खराब कर दिया है मूवी ने। वेरी वेरी बिग सैल्यूट टू सिद्धार्थ आनंद जिसने इतना स्टाइलिश एक्शन लाया है बॉलीवुड में। एंड किंग खान का तो वॉटर कमबैक, जितना बोलो उनके लिए उतना कम है। बेस्ट एवर। नाउ वी आर वेटिंग फॉर टाइगर 3। 26 जनवरी पठान लेके गया, दिवाली टाइगर 3 लेके जाएगा। दिस इज द बेस्ट यूनिवर्स इन स्पाई। टाइगर 3 भी आएगी। बॉलीवुड इज बैक। नाउ पीपल विल सी द बॉलीवुड इज बैक। नाउ पठान आफ्टरवर्ड बोला। जी मैम, कैसे लगी आपको फिल्म? बहुत वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। पूरा पैसा वसूल हो गया। या फुलन शाहरुख जी को इतने दिन बाद देखा। आई लव शाहरुख। झूमे जो पठान हम भी झूमे हैं। गुड वन। जी मैडम आप बताएं कैसे गांधी मैम जवानी के आपने सबसे तमन छोड़ा। वेरी नाइस। ड्यूटी हिंदी तो बुलाए रहे हो उसके अंदर के। हाउ डू लाइक फुल ऑन पैसा वसूल। सुपर हिट। क्या बात है, जबरदस्त, अनबिलीवेबल। कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज गो वॉच इट। ये तो खुद एक्टर लग रही है। मैम हेलो जी, दी इज वेरी सुपर फैबुलस फैंटास्टिक बिग फैन ऑफ शॉर्टी। शॉर्टी जी। तो व्यूवर्स यार, हमें तो बड़ा मज़ा आया यार इस पर रिएक्शन देखकर। और गेटी गैलेक्सी में तो यार लोगों ने, मैं कहता हूँ, अंधी मचा के रख दी थी यार। मतलब इतना ज़्यादा, आप देखो इतनी ज़्यादा, मतलब पब्लिक थी भाई। पब्लिक का रिएक्शन ऐसा था कि हर बंदा एक क्रेज हुआ हुआ था शाहरुख खान से मिलने का, शाहरुख खान को देखने का। और सबसे ज़्यादा मज़ा था भाई जब सलमान भाई आए इस वीडियो के अंदर ना, तो कहते हैं उसमें कुछ और ही मजा आ गया था उस वीडियो के अंदर। तो यार मतलब लोगों की इतनी दीवानगी, लोगों का इतना क्रेज मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। देखो फर्स्ट टाइम हमने जब देखा था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बाद में पता चला था कि वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। उसका रिकॉर्ड थे 20 साल तक एक सिनेमा में लगी रही है वो वीडियो, और उसने भी बहुत ज्यादा मतलब बिजनेस किया था। लेकिन यार जैसे मतलब उस टाइम जितना बिजनेस होता था उस हिसाब से अब की अगर आप बात करें तो अब तो भाई 1,000-2,000 billions पे रेट जा रहा है। मतलब इसी तरह इसमें देखें ना कि मतलब कितना 1,000 से प्लस जाती जा रही है ये, इसका जो बजट है क्रोर्स पे यार, वो भी डॉलर्स क्रोर्स पे। दो अंकल थे जो क्राउड से तंग आए थे, बट वो कहते वो भी बहुत अच्छी यार क्राउड, पता क्यों वो तंग इस वजह से आए थे ना, क्योंकि देखें जब आप 50 से अबव होते हैं ना, तो आपको ना छोटी सी पिन गिरने की आवाज से भी ना आपको डिप्रेशन होती है। और डिप्रेशन आपको पता है ना कि हर बंदे का ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहता है, और वो कहते हैं कि यार हमें सिर्फ सुकून चाहिए। तो ये जो जिस तरह के एप्स बने हुए ना भाई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स की तरह आप लोग, मतलब जिस जो लोग इस तरह के सिनेमा में जाकर डरना चाहते हैं, मतलब घबरा जाते हैं, और जिनका दिल नहीं करता और वो कहते हैं यार हम सुकून से मूवी देखें, तो भाई उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे अपनी सुकून से मूवीज देखें, अपना क्रेडिट डालें, आप अपने बैंक के अकाउंट से, किसी भी अकाउंट से पेमेंट क्लियर कर आप अपना प्यारा सा वहां पे सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, चैनल बना सकते हैं, और नेटफ्लिक्स पर आराम सुकून से मूवी देख सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो ये मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को एक सजेशन कर रहा हूँ। तो यार मतलब आज बहुत मजा था यार, मतलब इस वीडियो में। और मैं मतलब मेरी विश भी है कि हमारे पाकिस्तान में भी इस वीडियो को ओपन कर देना चाहिए। और ये क्या कहते हैं जो हाउसफुल है यार, ये तो बिल्कुल फुल ही था। मैं इसकी हमने एक लास्ट वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी वो अंकल यही कह रहे थे, कह रहे कल भी हाउसफुल था, आज भी हाउसफुल है। मतलब वो कह रहे थे कि 1 week से मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो दिन में 4 show हो रहे हैं और वो चारों के चार हाउसफुल जा रहे हैं, मतलब क्राउड इतनी खड़ी हुई है, लेकिन हमारे पास टिकटें देने का टाइम नहीं है, इतनी क्राउड आ चुकी है यार। So, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने मजीद बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक आंटी का रिएक्शन था कैसे, उन्होंने कहा था आपको कैसे लगी कहती है, बस यानी कि नो वर्ड्स चला गया, बस ठीक है, आज के बाद मिलेंगे, ठीक है, नो वर्ड्स उनका कहने का मतलब था आई हैव नो वर्ड्स। सो व्यूअर्स अगर आपको इस तरह की वो बाबू भैया नहीं कहता है, कहता है उसके मुंह, कहता है इसको क्या सुपारी निकाल के बात कर, तो अक्षय क्या कहता है, कहता है उसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, हो सकता है आंटी ने मुंह में गुटखा डाला।
सर बस मिलते हैं चलना स्टूडियो अपना बहुत कर रहे हैं हम दोनों को दीजिए और हाँ हाँ मेरी मेरी बात सुने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें लाइक किया करें शेयर किया करें क्योंकि हमें आप लोगों के बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार की जरूरत है तो प्लीज हमें सपोर्ट दीजिए प्यार कीजिए क्योंकि ये प्यार है आपके लिए और आपका प्यार है हमारे लिए तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टे विद अस अल्लाह हाफिज़.